सीएए लागू होने के बाद असम में आसू समेत 30 संगठन ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सिलंजिया सुरक्षा समिति के जनरल सेक्रेटरी राज बाबा नयानवी ने उससे बातचीत करते हुए कहा कि वे लोग सीएए का कभी नहीं मानेंगे। मैं अभी उपस्थित हूँ आसाम में, और आसाम में का लागू होने के बाद से ही आसू समेत 30 जनगोष्ठी संगठन पूरी विरोध में लगी हुई है। और आज हमारे साथ उपस्थित है सिलंजिया सुरक्षा समिति के जनरल सेक्रेटरी राज बाबा, और राज बाबा से हम का को क्यों विरोध कर रहे हैं उनसे सवाल पूछेंगे। और हमारे साथ आज उपस्थित है राज बाबा, हमारे साथ आज उपस्थित है राज बाबा, और राज बाबा से हम पूछेंगे कि का को क्यों विरोध कर रहे हैं और आसू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं का को विरोध लेकर। अब क्या कहेंगे का को आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए आप लोग, अभी जो हमारा आसाम की समस्या है विदेशी नागरिक का, जो हमारा आंदोलन में शहीद हुआ था, अच्छा 55 लोग शहीद हुआ था, किस लिए? जो विदेशी है घुसपैठी, उसके लिए शहीद हुआ था। अभी जो सीए आईन बनाया है, गीत तो हो गया है, हम कभी उसे हमें नहीं सहे, हम आसाम में नहीं सहे। वो सारा भारत में सबसे ज्यादा आसाम में विदेशी लोग है, और उसी राज्य में हम क्या वो सपोर्ट करेंगे? हमें हिंदू मुसलमान नहीं सहे, विदेशी लोग है। और आपने बोला जो छात्र यूनियन के साथ इसी दिक्कत समय में सबका अलग अलग नीति आदर्श हो सकता है, मगर हम एक साथ मिलकर हम का समस्या नहीं सकता है। हम यहाँ पर का गीत होने नहीं दूंगा, हम नहीं सपोर्ट करते हैं। और एक बात कहता हूँ, जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, वो बोलते हैं हम सिलंजिया का क्या सुरक्षित किया, क्या सुरक्षित किया है? हमें चाहिए, हम लोगों का सुरक्षा चाहिए। और एक बात कहता हूँ, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो त्रिपुरा लोग है, वो जो खिलंजिया लोग है, वो बांग्लादेशी लोग घुसपैठ करके जो खिलंजिया लोग का सारा राजनीति है, हर समस्या वो लोग मुख्यमंत्री भी हो रहा है, वो लोग आंदोलन के लिए खुद को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए वो लोग रो रो कर आंदोलन कर रहा है। हम ऐसा होने नहीं दूंगा, हमारा आसाम में एक भी विदेशी सपोर्ट नहीं करेंगे। यही है हमारा वादा है, हम खिलंजिया सुरक्षा कमिटी तरफ से यही कहता है, जय आय असम, जय खिलंजिया सुरक्षा कमिटी। और ये राज बाबा असम सिलंजिया सुरक्षा समिति के जनरल सेक्रेटरी, उनसे हमने बातचीत की, और वो सिलंजिया सुरक्षा समिति कभी नहीं मानेंगे इस का को। राहुल रेखा के साथ मैं संदन हीरा, एएनबी न्यूज़।